प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ षठम प्रति षाठ्यम क्यों नहीं करना चाहिए? माँ, षठ के साथ षठता करने जाओगे तो तुम खुद दुख में पड़ोगे, तुम खराब हो जाओगे। अच्छा मनुष्य होने की कोशिश करो। कुत्ता यदि काट खाए तो क्या हम उस कुत्ते को काटने दौड़ेंगे? प्रश्न करता, माँ यदि कुत्ता काटने आए तो डंडा तो जरूर मारना पड़ेगा। माँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके लिए भी तो नियम बने हुए हैं। प्रश्न करता, माँ एक व्यक्ति शास्त्र के नियमानुसार रुद्री पाठ करता है और दूसरा बिना कोई नियम माने रुद्री पाठ कर रहा है, इसमें क्या कोई दोष है? माँ, इस शरीर ने सुना है कि नाम जब ठीक नियम से नहीं करने से नाम अपराध होता है। एक छोटा बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तब उसको कुछ नहीं आता है, बहुत गलत लिखा है, तब भी हम लोग उस बच्चे को उत्साह देने के लिए उसको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब दोष दिखाते हैं, जिससे वह सावधान रहे और आगे भूल ना करे। क्या तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया? प्रश्न करता, हाँ माँ, आपकी कृपा से समझ गया हूँ। प्रश्न करता, माँ क्या अपने जप का फल दूसरों को दिया जा सकता है? माँ, यदि उसमें जप का फल देने की शक्ति आई हो तो दे सकता है। वह व्यक्ति जिसको संकल्प करके दान दे उसको मिल सकता है, मंत्र से दान हो सकता है। प्रश्न करता, माँ क्या सिर्फ मन का संकल्प काफी नहीं? माँ, काफी है, लेकिन सबको अपने मन में क्या है और क्या नहीं है उसकी खबर ही नहीं रहती है। किसी एक व्यक्ति ने इस शरीर को बहुत सुंदर कपड़ा दिया, इस शरीर ने फौरन वह कपड़ा दूसरे को दे दिया, इससे उस कपड़ा देने वाले को बहुत दुख हुआ, इससे यह निश्चय हुआ कि उन्होंने कपड़े का ठीक तरह से दान नहीं किया। उन्होंने इस शरीर को कहा, माँ यह कपड़ा थोड़ा समय पहन कर दे देते तो अच्छा होता। इस शरीर ने उनको कहा कि तुमने जब कपड़ा माँ को दे दिया फिर उस कपड़े को माँ आग में जला दे या पहने या किसी को दे दे, चाहे जो माँ करे। प्रश्न करता, माँ भगवान के चित्र की पूजा में और भगवान के पाषाण आदि से निर्मित विग्रह की पूजा में कोई फर्क है क्या? कोई कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को एक जगह से हटाना नहीं चाहिए। माँ, मूर्ति की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठा और दूसरी सचल प्रतिष्ठा। सचल मूर्ति को तुम जहां चाहो ले जा सकते हो, अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसे कहीं भी नहीं ले जा सकते। गोपाल को हर एक जगह ले जा सकते हैं। ढाका में जब पाकिस्तान बना तब पंडितों ने मत दिया कि ढाका से मूर्ति को दूसरी जगह ले जाकर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। साधारण नियम यह है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कहीं नहीं ले जा सकते। प्रश्न करता, माँ श्रीनाथ जी को जगह जगह पर ले गए हैं। माँ, जिस स्थान से भगवान के विग्रह को स्थानांतर किया जाता है वहां फिर से विशेष पूजा, विशेष अभिषेक इत्यादि करना पड़ता है। संसार में जो कुछ हो रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रश्न करता, माँ मनुष्य पुनर्जन्म के अलावा अन्य किसी समय में किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? माँ, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का तो प्रमाण रहा है, सुना है कि उन्होंने एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया था, आध्यात्मिक योग की अवस्था में पहुंचने पर शरीर प्रवेश हो सकता है। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि किसी की जीवित अवस्था में उनकी सत्ता दूसरे के शरीर में भी काम करती है, दूसरे के शरीर में रहकर अपना कर्म भोग भी पूरा कर लेते हैं। प्रश्न करता, माँ जीवन के अभ्युदय के लिए सबसे सरल और उत्तम रास्ता कौन सा है? संसार में रहकर भोग और मोक्ष दोनों ही मिल सकता है कि नहीं? माँ, एक दिन किसी भाई ने इस शरीर से प्रश्न किया था कि भगवान के रास्ते में जाने से बढ़िया मोटर मिलेगी कि नहीं।
इस शरीर ने उनसे कहा था, जितनी चाहो उतनी मोटरें मिलेंगी। क्या तुमने श्री गुरु महाराज से दीक्षा ली है? यदि गुरु महाराज की प्राप्ति हुई हो तो एकमात्र उनके श्री चरणों की शरण में पड़े रहो। श्री गुरु महाराज के आदेशों को अविचार से पालन करो, इससे तुमको सब चीजें मिल जाएंगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। प्रश्न करता, मां ऐसे सदगुरु मिलें कैसे? मां, तुम जब भोजन करते हो तब तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं, इसका पता तुमको ही होगा। भोजन करने से अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हारा पेट पूर्ण रूप से भर गया कि नहीं। जब तुम पूर्ण रूप से श्री गुरु महाराज में विश्वास करोगे तब वहां से सब उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई किसी एक लकड़ी में भी विश्वास करे तो वहां से भी सब उत्पन्न हो सकता है। लोहे के खंभे में से भगवान श्री नरसिंह उत्पन्न हुए थे कि नहीं, पूर्ण विश्वास चाहिए। प्रश्न करता, मां गुरु को समझकर करना चाहिए कि नहीं? मां, गुरु जहां तक पहुंचे होंगे वहां तक शिष्य को पहुंचा सकते हैं। गुरु महाराज जब पूर्णता प्राप्त करेंगे तब शिष्य भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। गुरु आगे बढ़ेंगे तो शिष्य भी आगे बढ़ेगा। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होगी तो पूर्ण प्रकाश भी हो सकता है। प्रेम से बोलिए, श्री श्री आनंदमयी मात की।